मुट्ठी में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मोटू में है। लेकिन दुकानदार ने ठा करके मुंह पर इंसल्ट कर दिया दुकान भाई, वो ठेकेदार भी नहीं है, इनको कंटेंट ढूंढने पड़ते हैं। दुपट्टा प्रेग्नेंट कहीं उसके बच्चे को ही सिक्योर कर रहा है, ये लीचड़ और ये दुपट्टा। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिंपल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग, एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, लेकिन उससे पहले आप सभी को देव दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जी गुरुपुरब की भी, गुरु नानक देव जी के आज जन्म दिवस की आप लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की ओर, लेकिन मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर देव दिवाली और गुरुपुरब आप सब लोगों ने कैसे मनाया, ठीक है। तो वीडियो में आप लोग मेरी स्माइल देखकर समझ ही सकते हो किसके ऊपर है वीडियो, थंबनेल से भी आपको पता लग चुका होगा। और जी फाइनली हम लोग ऐसी गंदी वाली सचिन और मनीषा नहीं, इनकी कंट्रोवर्सी से निकल आई हूँ मैं बाहर। नहीं चाहिए हमें ऐसे लोग जिनके ऊपर भी वीडियो बना के आपका मेंटल पीस ही खत्म हो जाए। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, रात को 10:30 बजे से लेकर 11:30 बजे एक घंटा मैं लाइव आऊँगी YouTube टॉकीज़ पर। तो जिन्होंने YouTube टॉकीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, लिंक जो है मैंने आप लोगों के साथ कम्युनिटी पर शेयर किया हुआ है। तो आप लोगों के साथ आज बातचीत होगी जी बिल्कुल दुपट्टा के ऊपर। पहले तो दुपट्टा के बात ही कर लेते हैं, जूठेअंगा के ऊपर बाद में बात करते हैं, क्योंकि उसका एपिसोड मैंने देखा भी नहीं, जरूरी भी नहीं समझा, क्योंकि उसकी बातें कौन ही सुने। तो चाय की दीवानी चाय 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 करती हुई स्टार्टिंग में नजर आई थी, मैंने कहा छोड़ ही दो, कुछ नहीं होगा इसके एपिसोड में। दुपट्टा के एपिसोड में ऐसा खास क्या था, दुपट्टा के एपिसोड में लोग जी कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं क्या दुपट्टा प्रेग्नेंट है, दुपट्टा भाभी प्रेग्नेंट है। तो किसी ने रिप्लाई में लिखा लो अब ये प्रेगनेंसी का कि आपने बता दिया प्रेग्नेंट है, तो है तो वो अभी नहीं है प्रेग्नेंट जी, लेकिन अभी नेक्स्ट जो टाइटल है वो उनके होने वाले हैं कुछ लीचड़ के इस तरह से, क्योंकि लीचड़ जो है प्रेगनेंसी के ऊपर भी बहुत फ़ायदा उठाएगा। जैसे अभी आप लोग देख ही चुके हो कि अभी फादर इन लॉ की बीमारी को लेकर भी कंटेंट, वहाँ अपने घर तो इनको कोई मिलता नहीं है, चलो यहाँ पर कंटेंट है तो यहीं पर एपिसोड कुछ बनाए जाए, है ना। तो भाई आपने प्रेगनेंसी का लिख दिया, अब जो है नेक्स्ट टाइटल ये होने वाला है दुपट्टा को जो ठंड लग के भी वोमेंट होगी ना, ये कहेगा दुपट्टा को लगी ठंड, पहुँचे हम गायनोलॉजिस्ट के पास, पहुँचे हम हॉस्पिटल दिखाने के लिए। और जी ये खुशखबरी ये देखिए, दो लाइनों वाली खुशखबरी ऐसे दिखाते हुए ये लोग नजर आएंगे हमें। दो लाइनें मैंने इसलिए बोली, अब भाई वो बाकी का जो सीन है इनका वो ये बताएंगे ना कि प्रेगनेंसी टेस्ट किया, ये देखिए किट, ये सारी चीज़ें, फिर कहेंगे हमने इसको संभाल के रखा हुआ था। यही नहीं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी ये सब करते हैं चोचले, जो कि पहले कभी किसी के यहाँ पर ऐसा नहीं होता था, क्योंकि जब सोशल मीडिया ही नहीं था ये सारी चीज़ें कोई करता ही नहीं था। अभी दुपट्टा को मैं ये भी कहना चाहूँगी, आपने ये चीज़ देखी है कि वो लोग घूम फिर रहे हैं फादर साहब को, अभी जुम्मा 4 दिन हुए हैं ठीक हुए, लेकिन अभी इंटरनली वो इतने फिट नहीं हैं, क्योंकि दवाइयाँ मेडिसिन चल रही है जिस वजह से उनको लगता है कि अभी वो ठीक है, अभी उनको बहुत केयर की ज़रूरत है। पंजाब में समय पराली वगैरह जलाई जाती हैं, सो उसके वजह से भी ना पोल्यूशन थोड़ा हो जाता है, लेकिन अब जो है सरकार ने कुछ कड़े कदम उठाए हैं जिस वजह से बहुत कम किसान हैं जो पराली जलाते हैं। अभी तो वहाँ का माहौल बदल चुका है, फोग है, प्रॉपर ठंड है। और यहाँ भी हमारे दिल्ली में भी 2 दिन, दिल्ली NCR हम लोग रहते, 2 दिन तो ऐसी ठंडी हवाएं और प्रॉपर फॉग थी, तो वो फॉग पोल्यूशन वाली नहीं थी, पोल्यूशन वाली जो होती है ना आसमान और बीच में ही रहती है वो फॉग अलग होती है, वो दिखती है कि ये पोल्यूशन है ना, लेकिन जो एक्चुअली में वो फॉग है वो जैसे तो दिखाया ना कैसे उड़ उड़ के आ रही, भाई ये भी हमने जलंधर में बहुत बहुत एंजॉय किया है, ऐसे लंबी सांस लेना, वो धुंध की वो जो अलग सी स्मेल होती ना मुझे इतनी पसंद है, वो फ्रेगनेंस की धुंध की स्मेल, तो खैर बदबू को बोलते हैं ना, फ्रेगनेंस बोलते हैं ना खुशबू को, हाँ मुझे वो खुशबू बहुत पसंद है।
अब कहाँ मैं अपनी बातें ले आई है ना, मुझे दुपट्टा को देखकर अपने वो पुराने दिन याद आ गए। तो मैं आपको बता रही थी कि ये लीचड़ वगैरह सब लोग गए हैं, और टाइटल क्या रहा कि भगवान ने भर दी खुशियों से झोली। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो वो झोली में जो फल डलवाया है बाबा लाल दयाल जी के माथा टेकने गए हैं, वो ध्यानपुर में वहां पर है। तो आपने देखा दुकानदार ने सरेआम ऑन कैमरा लीचड़ की करी बेचती, ये होगा मेरा भी टाइटल। आपको पता ये कहीं भी जाते मुंह उठा के कैमरा उठा के निकल पड़ते हैं, भैया इनकी फुल टाइम जॉब है यही है ना। तो वहां जाकर पूछने कितना पुराना मंदिर है ये बताना जरा है ना, ये कब बना था, ये कैसे, भई भगवान थे वो बाबा लाल दयाल जी, वो भगवान थे है ना। उसके बाद अभी गद्दी आगे के आगे जा रही है, तो भाई झोली में फल डलवाते हैं, जिनके बच्चा नहीं होता उनके भी बच्चा होता है, ऐसे बाबा बुड्ढा जी के भी हैं वहाँ पर, मिससे प्रसादे चढ़ाए जाते हैं। ऐसी मेरी किसी के साथ कन्वर्सेशन भी हो रही थी, मिससे प्रसादे चढ़ाए जाते हैं, जो कि दुपट्टा की मम्मी ने भी बोला था है ना, वो जलंधर में है ना। मैं आपको बता दूँ झूठी तो जाती कोई नहीं, हम लोगों ने यहाँ से भी कितनी बार बोला, और जूठी के इन लॉज फैमिली के वो गुरु हैं बाबा लाल दयाल जी। तो जूठी तुम्हारे भी तो हुए, तुम्हें माथा टिकाने क्यों नहीं लेके गए वो वहाँ पर, तुम्हारे झोली फल क्यों नहीं डलवाया। और जूठी आप ये देखिए, दुपट्टा की मदर कह रही कि नेक्स्ट टाइम वो आएंगी ना, हम उसको यहाँ लाएंगे माथा टिकाने के लिए। नहीं आंटी जी मुझे एक चीज बताओ, उसकी सास को लाना चाहिए था ना, दुपट्टा की मम्मी जी को पूछ रही हूँ, उसकी सास को लाना चाहिए था ना, जहाँ उनके भी तो गुरु हैं, उनको क्यों नहीं लेके आए, वो क्यों नहीं लेके आए माथा टिकाने के लिए। कि आपको एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि झूठी में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मोटू में है, झूठी में नहीं है प्रॉब्लम, साफ बोल रही हूँ आपको। भाई दो बार वो प्रेग्नेंट हुई हैं है ना, लेकिन कुछ चीज़ें हालात अब नॉर्मल, जिनकी प्रेगनेंसी है ना, जैसे कि मेरी सिस्टर की भी यही जूठी वाली ही प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन ठीक है डॉक्टर अच्छे थे, वो सारी चीज़ें हैंडल कर ली, अब बड़े हॉस्पिटल वाले हैं वो चीज़ें हैंडल कर लेते हैं। लेकिन जूठी दिखाती हैं फोर्टीज, बातें करती हैं फोर्टीज की, लेकिन पहुँचती कहाँ है, वही इनके छोटे से गाँव का छोटा सा नर्सिंग होम। चलो छोड़ो वो चीज़ें, मुझे अभी डिस्कस नहीं करनी है, लेकिन हमेशा ही औरत को ही क्यों कहा जाता है, यहाँ झूठी का दर्द दिल में समझती हूँ, क्यों कहा जाता है कि वो बच्चे की माँ नहीं बनी है ना, क्यों नहीं है एक औरत के यहाँ पर बच्चा, ये वो सारी चीज़ें है ना। भाई आदमी से भी कोई पूछो, क्या उसमें कमी तो नहीं है कहीं कोई है ना। तो ये चीज़ें हैं झूठी को मैं बताना चाहती हूँ, झूठी जैसी बहुत सारी औरतें, हो सकता है मोटू में भी वो कमी ना हो है ना। भाई कईयों के एक दो मिसकैरेज हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो बच्चे होते हैं वो स्वस्थ होते हैं। अब जो ये दुपट्टा की मम्मी जी कह रही हम माथा टिकाने आएंगे, क्यों नहीं भाई, पहले उसकी सास आए माथा टिकाने के लिए। अब बात कर लेती हूँ कि दुपट्टा की प्रेगनेंसी को लेकर अगर ये इतना हाईलाइट करेगा, पहले तो मैं इंसल्ट की बात जो है ना वो अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ है ना, भैया थोड़ा तो मूड हल्का हो। तो हुआ ऐसे, ये कितना पुराना मंदिर है, ये कैसे है, क्या है, सारी बातें जानने की कोशिश करी। उसने पहले तो बता दिया भाई 1300 ईस्वी से, आप समझिए इतने साल, मतलब सदियां हो गई, साल नहीं सदियां, ओके। तो भाई ये कहता अच्छा, क्योंकि ये आपको पता है ना गाइड बनने किसको बड़ा शौक रहता है, हिस्ट्री दूसरे के मुंह से सुनेगा और फिर खुद अपने मुंह से सुनाने की कोशिश करके ये जानकारी देगा, भाई मेरे से बड़ा जानकार कोई नहीं है, है ना, ऐसा कुछ दिखाना चाह रहा था। लेकिन दुकानदार ने ठा करके मुंह पर इंसल्ट कर दी। दुकानदार कहता हाँ मैं फोन पकड़ा हुआ है, फोन से सारा कुछ पता चलता है। ये कहता हाँ जी फोन पे पता चल जाता है, वो कहता हाँ बिल्कुल, वो समझ गया था भाई मेरे को मत चला तू, यूट्यूबर मेरे साथ गेम खेल रहे, मेरे से भी डॉलर कमाएगा, बेसन के लड्डू ले और निकल यहाँ से, माथा टेक जाके, मन में इच्छा ये रख कि मैं माथा टेकने आया हूँ, यहाँ पर वीडियो क्लिप बनाकर ये सारी चीज़ें करने नहीं आया हूँ। आपको एक सच्ची बात बताऊँ, मेरी बहनें भी जाती हैं ना, रिश्तेदार भी हमारे, तो वो क्या करते हैं मंदिर गुरुद्वारे कहीं भी जाएंगे, सेल्फी फोटो क्लिप ये ग्रुप में बैठकर। आपको पता है मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं ही नहीं, चाहे मंदिर गुरुद्वारे के लिए भी, इवन हम कुल्लू मनाली जहाँ जहाँ भी घूमने गए ना कहीं पर भी, वहाँ पर तो चलो ठीक है हमारे पास थी क्योंकि कैमरा वैमरा लेकर गए थे स्पेशल,
लेकिन वो भी हमारी डिलीट डिलूट हो गई। अब क्या ही बोलूँ मैं, कैमरे में कुछ ऐसे फंक्शन था नहीं समझ में आया तो वो डिलीट हो गए। चलो छोड़ो वो चीज़ें, लोग कहते हैं कि मेमोरी रखनी, मेमोरी यहाँ होती है, ये फोटो में नहीं मेमोरी होती। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, वहाँ पर हिंडम्बा मंदिर भी हम लोग गए तो वहाँ पर अंदर जाकर फोटो वगैरह क्लिक करने का वो चीज़ें नहीं थी कि नहीं कर सकते थे, है ना। मेमोरी यहाँ होती है, यहाँ होती है, ठीक है। लेकिन आप जब भगवान के दर पर जाते हो, आप भगवान के साथ डायरेक्ट अपना कनेक्शन बनाओ, कनेक्ट हो, आप उनसे बात करो, अपनी बात रखो, लेकिन दिल में यही है कि हम तो पिकनिक स्पॉट पर आए तो उसमें कोई क्या कर सकता है। इसलिए मैंने एक चीज़ देखी है, छोटेपन से ही कुछ लोगों की इतनी मेमोरीज, इतनी एल्बम, इतनी पुराने पुराने ज़माने की फ़ोटोएं क्लिक करवा करवा के। कई लोग तो ऐसे होते हैं, हमारे एक मैनेजर थे फैक्ट्री में, तो भाई वो हर वेडिंग एनिवर्सरी पर एक फ़ोटो क्लिक करवाते थे अपनी वाइफ के साथ, मेमोरी। भैया इतनी फ़ोटोएं क्लिक करा लोगे, ठीक है, बाद में वो मेमोरी है ना ऐसे दीवारों पर टंगी नज़र आएंगी। मेरे को समझ में नहीं आता, चलो सबका अपना अपना इंटरेस्ट है, मेरी अपनी ओपिनियन है, फोटो में क्लिक कराने में मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अभी मेरी जो खुद की वीडियो हैं आप देखिए, यही सेव हो रही हैं, यही बहुत है, कल को ये चली भी जाएंगी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपनी 4 साल पहले की जो मैं YouTube टॉकीज पर मैंने वो पिक लगाई है, वो सिर्फ 4 ईयर्स ओल्ड है मेमोरी, वो वाली मेरी मेमोरी ही समझिए, है ना। देख कर दिल दुख जाता है मेरा, सच्ची बात है। तभी मैं कहती हूँ मैं मेमोरियाँ मुमरियाँ नहीं इकट्ठी करने में विश्वास रखती, बिलीव करती। आप अपनी बातों से, आप अपने कर्मों से, आप अपने अच्छे किए गए कर्मों से, किसी की हेल्प से, या मतलब किसी की हेल्प करने में, इन सब में विश्वास रखिए। दुनिया आपको याद करे, लोग आपके आसपास के आपको याद करें, किस वजह से करें, आपके कामों की वजह से। ये जो फोटो में क्लिक है ना, ये सब में नहीं। अब ऐसा ही कुछ मुझे ये लीचड़ करता हुआ नज़र आया, है ना। चलो ठीक है, इनकी भी ब्लॉगिंग है, अब क्या ही करें, इनके भी ये सबके साथ इसने शेयर करना है, लेकिन अपना कमेंट सेक्शन पढ़ना क्यों भूल जाते हो भाई, पढ़ लिया करो उसमें क्या लोगों ने लिखा है, भाई ये काम क्या करता है। अब देखो काम की बात, दुपट्टा ने खुद अपने मुँह से बयान की ये वाली बात कि भाई हम तो शुरू से कहते आए ना किसी ठेकेदार के अंडर ही ये काम करता है, ये भैया सिविल इंजीनियर वाली पढ़ाई अलग होती है जो इसने नहीं की। दुपट्टा ने बस यही शोर मचाया, सिविल इंजीनियर है। जब हमने बोला प्रूफ दिखा दो ना, प्लस टू के बाद कौन सी पढ़ाई करी है, कौन सी डिग्री दिखा दो ना इसकी, वो नहीं, 10वीं के बाद डिप्लोमा किया एक, ठीक है भैया। 10वीं के बाद डिप्लोमा और डिग्री दोनों में फर्क होता है, ये चीज़ पहले तो आप लोग समझो, है ना। तो अब वो चीज़ें जो सच है, कहते हैं ना 100 झूठ के ऊपर एक सच जो है वो भारी हो जाता है, और सच जो है छुपता नहीं, वो सामने आ ही जाता है। दुपट्टा के मुंह से क्या निकला, मैं ठेकेदार की बीवी हूँ। भाई वो ठेकेदार भी नहीं है, चलो तुमने इतना मान लिया कि ठेकेदार की बीवी हो, फाइनली पता लग गया सिविल इंजीनियर जो होते हैं ना वो इंजीनियर ही होते हैं, वो अप टू डेट रहते हैं, ये फाइलें फूलें उनके साथ होती है, एक दो लोग भी होते हैं, सर पर लोहे वाला वो कैप भी रहता है। चलो छोड़ो इतनी सारी बातें नहीं, लेकिन किसी ने ये लिखा, भाई ये जो यूट्यूब पर होते हैं ना इनको कंटेंट ढूंढने पड़ते हैं, यही इनकी जॉब है, फुल टाइम जॉब है, 24 घंटे की जॉब है, यही वो दिखाते हैं, बस इनको कंटेंट ढूंढना है, अपने घर पर कंटेंट है कोई नहीं, जहाँ पर पिता की बीमारी को लेकर ही ये कंटेंट खेलेंगे। अभी बात कर रही थी कि अगर दुपट्टा प्रेग्नेंट होती, देखो होना ही है ना, आज नहीं तो कल बच्चा, परमात्मा करे जल्दी इनकी ज़िंदगी में, लाइफ में आ जाए, है ना। अभी तो ये कहते हैं हम छोटे 24 साल 25 साल वाले भी छोटे हैं, तो फिर छोटों को क्या ही बोलेंगे, वो मतलब वो पैदा ही नहीं हुए। तो ये कहना चाहती हूँ कि पुत्र ने अपनी सास की सारी बातें मानी, सास ने बोला कि नहीं बताना सोशल मीडिया पर, बिल्कुल ये चीज़ें क्लियर नहीं करनी, प्रेगनेंसी को लेकर कोई बात नहीं करनी, उसने वो चीज़ें मानी, वो बात मानी उसने, तो जी उसने नहीं बताया। लेकिन जब हम लोगों ने वीडियो भी बनाए, दिखाया भी, देखो जी बेबी बम्प है, नज़र आ रहा है पुत्तन का, है ना, ऐसे करके, तो भी उसने नहीं बताया। अच्छा जब लोग लिखते थे कि भई आप प्रेगनेंट हो तो वो हार्ट दे देती थी, लेकिन नहीं बताया, क्लियरली सामने आके नहीं बताया, क्योंकि सास ने फिर कहा
कि देखो एक चीज होती है, हम लोग इसलिए नहीं कुछ भी अभी क्लियर बता रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि पहले ऐसी चीजें हो गई हैं इनके साथ, जानी कि इसकी बड़ी बहन के साथ, है ना। तो वही कहते हैं ना, नजर वगैरह जो भी, लेकिन वो कहते हैं कि ओले दा खादा ते सियाने दा क्या, बाद में पता चलता है। तो पता चला ना, सास का कहा वो सियानी है, सास सियानी है, माँ सियानी नहीं है, ठीक है ना। स्वाद है ना अकल है, क्या ही बोले। तो वो सियानी व्यानी नहीं है, इसकी सास सियानी है, तो उन्होंने वो चीजें समझी। अब फिर आ गई गर्मी है, उनको पता था अब शोल वोल हट गए, तो अब तो सबके सामने भैया दाई से पेट नहीं छुपा सकते, तो ऐसे ही ऑडियंस से आप कैसे छुपा सकते हो प्रेगनेंसी। अब पेट है वो निकला हुआ नजर आ रहा है। तो फाइनली इन्होंने कोई 7वें महीने में कहीं बताया, लेकिन डिलीवरी का भी नहीं, फिर भी नहीं बताया। पुत्र ने वहां अपनी सास की बात मानी, तो आज भगवान की कृपा से तंदुरुस्त अच्छा खासा बच्चा उसके पास है, हंसता खेलता, है ना। चलो ठीक है, हस्बैंड वाइफ के आपसे जो भी चल रहा है मैटर, वो मतलब हम उसको साइड पर ही रखते हैं, लेकिन पुत्र ने जहां पर अपनी सास की बात मानी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ आप लोगों को पता है? उसके बाद फिर जादू तंत्र मंत्र, जैसे सचिन ने कहा, कुछ खिलाया पिलाया, तो ऐसा ही कुछ हो गया ये बेचारी क्या कहते हैं पुत्तन के साथ, है ना। तो वो खिलाया पिलाया जादू मंत्र तंत्र, उसकी बड़की जिज्जी ने ही कर दिया शायद, उसी की बोली बोलने लगे बाद में। फिर नन्नू ने एक स्टैंड और लिया कि मेरे बच्चे को दिखाकर ये लोग अर्निंग करते हैं, कमाई करते हैं, है ना। चलो उसका कहना वो चीजें गलत थी, लेकिन यहां पर ये चीज सही हो गई कि पुत्तन ने कहा मैं अपने बच्चे को कैमरा फ्री रखूंगी। खैर बड़े जिज्जा ने भी यही बोला मोटू ने, है ना, मैं भाई नहीं चाहता कि बच्चे का एक डायपर तक दिखाया जाए। तो मोटू को लगा कि बातों में ये तो भाई है, झूठी ने तो अपनी सारी राम कहानी यहां पर बताई थी, लेकिन पुत्र नहीं दिखाएगी। आज पुत्र ने नहीं दिखाया तो दुनिया की नजरों से उसने अपने बच्चे को बचाव करके रखा है। तो ये बातें जो है ना, उसकी सास की ही ये मान रही है, पति की ही मान रही है पुत्तन। तो ये हुआ पुत्तन का प्लस पॉइंट, कहीं ना कहीं उसके बच्चे को ही सिक्योर कर रहा है। ठीक है, अब बारी आती है पुत्तन पर एक और बात करने की। पुत्तन ने, आपको पता होगा मैं हमेशा कहती हूँ ये चीज, 90% कोई गलत है, अगर 10% कोई सही है, उसके साथ आपकी अच्छी मेमोरीज है, आप उसको याद कर लीजिए। तो पुत्तन ने कहा कि क्या कहा पुत्तर ने, उसने यही बोला कि उसको आज भी याद आती है, अपने ससुराल वालों का नाम नहीं लेती है भी कुछ लोगों की, कि चलो ठीक है उन्होंने जो भी किया, लेकिन अच्छी भी कुछ मेमोरीज हैं मेरी जुड़ी हुई उनके साथ, है ना। कहा ना ये सारी बातें हैं। अब अगर ये लीचड़ और ये दुपट्टा नक्शे कदमों पर चले ये जुठियंका के, तो मैं कहती हूँ दुपट्टा की मम्मी जी फिर तो आप दो खड़का ही दियो, सीधी सी बात है। दुपट्टा, मेरे को उम्मीद नहीं है कि नक्शे कदमों पर जुठियंका के चलेगी, क्योंकि दुपट्टा जो है वो है तो अपने मन की मालिक, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी माँ की बातों को फॉलो करती है ना। अब ऐसा तो है नहीं जैसे कि जूठी की माता जी है, जूठी की माता जी तो खुद डिपेंडेंट रहती हैं अपनी ही बेटियों पर, है ना। उनको तो बिल्कुल भी वो चीज़ें हैं ही नहीं कि ले जाऊं कहीं भी, इनको माथा माथा टिकाऊं कहीं मंदिर गुरुद्वारे ले जाऊं, वो बेटियां ले जाएं तो वो चीज़ें अलग है ना। लेकिन जूठी की मम्मी का ये भी नहीं है, वो तो अपनी ही मौज मस्ती में रहती है, स्विमिंग कर लूँ, खा लूँ, पी लूँ, हंस लूँ, बोल लूँ, घूम लूँ, फिर लूँ, ये सारी बातें। लेकिन किनको फर्क पड़ रहा है, मेरे को एक कमेंट भी आया कि क्या दुपट्टा की मम्मी को चाहिए नहीं था कि वो जूठी का भी माथा टिकवा लेती, नहीं वो चौथे पासियों क्यों टिकवा लेती माथा, भगवान ने बुलाने तो बुला ही लेना। जब जूठी की बेस्ट फ्रेंड जानी कि जूठी की सास, जब उनके वो गुरुजी हैं तो जूठी माथा नहीं टेक के आए, तो अब उसकी मम्मी वहां पर क्या करे, है ना। तो उसकी मम्मी ने तो फिर भी कहा आज एपिसोड में कि भैया वो जब आएगी तो उसका माथा जरूर टिकवाएंगे, वो तो फिर ही बेचारी एफर्ट कर रही है, अच्छे कर्म कमाना चाह रही है। तो जो दुपट्टा की फैमिली है ना, वो एक नॉर्मल फैमिली है, वो कहती चलो अपने बच्चों को भी माथा टिकवा लाए, भगवान इनकी भी झोलियां खुशियों से भर दे, है ना। लेकिन दुपट्टा ने कहा हमारी झोलियां खुशियों से भर दी, तो मतलब कहीं ना कहीं कंसीव किया है ना। जहां फिर अब ये टाइटल कब तक और चलेंगे, ये तो भाई लीचड़ ही बता सकता है। भगवान करे सब कुछ सही ही रहे इनकी लाइफ में, है ना।
जैसे पुत्तन की लाइफ में 9 मंथ स्टोरी सही रही, बहुत अच्छी रही है ना, लेकिन भाई उसके बाद फिर उन्होंने कैसे कैसे कीचड़ किया, तो वो चीज़ें भी आपने देखी, लेकिन लीचड़ कीचड़ नहीं करने देगा, ये पूरा यकीन है। आप सबका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर से रखें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।